ها ګران مینوالو سلامونه نیکی هلی او احترامات نن 23 سپورټس دا 56 وم میچ دی د کازم کرکټ کلب او د شاهین قلا په مینس کې شاهین قلا چې دی ټاس ګټل او د بیټنګ فیصله کړل شاهین قلا دی نمخ کې درې میچونه کړل یو بیلل دی دوی ګټل دی کازم بچا دا کازم کرکټ کلب دا درې میچ دی دی نمخ کې دوړ ګټل دی او دا درې میچ دی او نننی میچ امپایران چې دی هغه محمد سمی چې کوم تعلق د اخلاق کلب کرکټ کلب اجمیر سره دی او دغه بل امپایر چې دی وسره انعام الله دی انعام الله تعلق چې دی بادشاہان کرکټ کلب سره دی دی وخت کې تاسو د کازم کرکټ کلب کلاډن کته شي فیلډینګ ته راکوشي دی او دا تاسو چرمین سیب کتے شای چی دی گراؤنڈ نا کچر ٹھولی تا غراڑا گولا گو پانس چین دا تاسو پدې شه دي شاهین قلا ټیم سیګنل مسله وا پرونه اړې زیات مسله وا د ټینار او جیس کې پرونه سیګنل مسله وا هغه اخر ته مچ بیا موږ لایو نو چلو لیزګه چې سیګنل نو دی وخت دغه اوپننګ راکوشه اوپننګ کې جنید او اسامه اوپننګ لراله اسامه او جنید جنید چې دی بټاموړه سره تعلق ساتي او اسامه چې دی دا د راشوړ سره خوا کې کلی دغې سره جسول بازارګي سره کوانه سره سوري کوانه سره تعلق ساتي او دا د بلرام جنید تاسو کتې شي د بلرام جنید چې دی دا جنید دا کیپینګ کې دی کازم کرکټ کلب یې سره او دا جنید بل جنید چې دی هغه د بټموړه جونی چې دی هغه د شاهین قلا کرکټ کیسه ده جی د واګان جونی ده
مینوال تاسو دا میچ انجوائے کوئے زبا لگ دودو دغاو کما انشاءاللہ کمیٹری بوم اس میلی کی گی Thank you.
دا سرکل سر منه ودرېګه آیات به یاره قسم فیلډینګ ورته آسان یا آیات آیات سرکل سر منه ودرېګه بیا به شاته ودرېګه نه بیا مخکې درې بال څه مخکې درې دا बार बोला हेलो तो काफी अच्छा स्टार्ट है यहाँ पर फराहम किया है खारी नसीब ने अपने टीम के लिए। देखते हैं मजीद क्या कर पाते हैं। जुनेद इस वक्त विकेट पर मौजूद है और खेलना चाहते थे बल्लेबाज लेकिन नाकाम रहे और अच्छा गेम पेश करना पड़ेगा। बड़ा राज शाही का काफी खतरनाक टीम है बट अगर आपको बताता चलूं इससे पहले एक गेम लॉस किया है बड़ा राज शाही ने एक गेम विन किया हुआ है। अब्दुर्रहमान चरमेन बीएसएल खुशामदीद भी कहते हैं और आज जो है ग्राउंड से बाहर सॉरी टीम का हिस्सा नहीं है। पता नहीं किस वजह से न्यू टैलेंट को मौका मिलना चाहिए और वाइड बॉल एम्पायर का इशारा और मैं तकरीबन आज तीसरा मैच देख रहा हूं।
शाहीन कला का तो जिया को मौका मिलना चाहिए, न्यू टैलेंट है, यही गिरेगा खड़ा होगा। गिरते हैं शेष सवार मैदान जंग में, ओते पल किया गिरे जो घुटनों के पल चले। तो मौका मिलना चाहिए जिया को शाहीन कला की जानिब से एक गेम में कि वो अपना परफॉर्मेंस शो कर सके जिंदार की सरजमीन पर। और अच्छा बॉल यहाँ पर जिया, जो कि बड़ा ग्राउंड के लिए अगर मैं बताता चलूँ तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन फखर है बड़ा ग्राउंड का, फखर है जरूर क्रिकेट की दुनिया में। काफी कम उम्र में क्रिकेट शुरू किया हुआ था और काफी कमाल का खेलते हैं। इंशाल्लाह 2-3 साल बाद गुजरने के बाद डिस्ट्रिक्ट का क्या केटीके का टॉप प्लेयर होगा अगर इसी तरीके से मेहनत जारी रहा। और यहाँ पर खेलना चाहता था बल्लेबाज जुनैद, लेकिन ना समझ पाए बॉलर की चालाकी और बिल्कुल सीधा विकेट कीपर खाई के हाथों में ये गेंद मजबूती से थाम पड़ा। बिलाल शिंगलीपाई से ताल्लुक है बिलाल का, जो इस टीम का हिस्सा है, फात खान जिनका ताल्लुक अरकशोरी से है, और फहद के साथ साथ उसामा कोहानी से उनका ताल्लुक है, वो आउट हो चुके हैं। यकीनी तौर पर उसामा का विकेट गिरना होता, उसमें अगर सदीक 100% गलती, बैट्समैन की अपनी ही गलती थी। स्ट्रेट टू स्ट्रेट बॉल का एडवांस में बल्लेबाज का आना और गेंद जो था स्ट्रेट को मारने के बजाय उसने पोजीशन अपना कवर की तरफ किया था, तो मतलब बैट्समैन अपनी गलती की वजह से खुद ही आउट हो चुका है ओपनिंग बल्लेबाज। लेकिन काफी खतरनाक टीम है, बड़े बड़े स्टार मौजूद है बलग्राम शाहीन के पास। और अगर पुलिस लाइन की बात की जाए, आउट ऑफ द ऑफ स्टंप दिस बॉल, एम्पायर की जानिब से वाइड बॉल। अब तक स्कोर है 15 का स्कोर है सामीन, और अच्छा मुकाबला और अच्छा गेम होना चाहिए। वन साइड लूजर वन साइड विनर, ये तो लाजमी बात है कि एक जीतेगा एक हारेगा। लेकिन 11 नंबर का शॉट, अगली बॉल, और बैट्समैन ने बिल्कुल देखते गेंद को छोड़ दिया। इसी गेंद को जिस तरीके से सामा खेलना चाहते थे और आउट हुए थे, इस बल्लेबाज ने अगर सामा का नमाया परफॉर्मेंस सॉरी जो तरीकाकार था जिस गेंद पे आउट हो चुके थे, अगर और तरीका अपनाता तो अच्छी से के लिए जरूर ये गेंद जा सकता था। बिल्कुल बैट टू बैट बॉल था, लेकिन बैट्समैन ने छोड़ दिया पता नहीं क्यों। दिलों की राज जो है ये मेरा रब ही जानता है, और बैट्समैन के दिल का राज से हम वाकिफ नहीं है। बड़ाग्राम शाहीन वर्सेस डिस्ट्रिक्ट बड़ाग्राम प्लेस लाइन, 10 नंबर का शॉट, आरे वन टाइम अगेन, नो। यकीनी तौर पर आपको बताता चलूं वलीउल्लाह ने एक कैच ड्रॉप किया है। हॉट बॉल में एक कमाल होता है, जब बॉलर गेंद करवाता है तो आप देखे इंटरनेशनल में, पीएसएल में, पीपीएल में, सब में देखे, ये जो फील्डर होते हैं ये 2-3 कदम आगे जाते हैं बैट्समैन के साथ। ये इसलिए जाते हैं कि फील्डर एक क्यों हो, एक ये वजह होता है, दूसरा इसके साथ फील्डर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ फिर गेंदे पकड़ता है। वो भी अपनी जगह खड़ा था पूरे बांधे की क्रिकेट की तरह क्रिकेट खेलने में मशरूफ था। हालांकि क्रिकेट जो है क्रिकेट के तरीके से खेलना चाहिए, अपने रिवायत के मुताबिक क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। एम्पायर का इशारा वाइड बॉल, अगर ओली कारी नसीब के स्ट्रॉक लेने बॉलिंग स्ट्रॉक लेते के साथ साथ अपने कदम भी आगे करता तो बड़ा इजीली कैचता, और क्रिकेट के दुनिया में ऐसे ही कैसे आते रहते हैं। और कैच इज विन द मैच, वो जुनैद का कैच जॉब किया हुआ है, नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ये तो काफी खतरनाक बल्लेबाज है, लेकिन कारी बिल्कुल तैयार, बेहतरीन शॉट, बेस्ट वेयर एट दिस टाइम, 3-4 शॉट एंड शॉट बिफोर एम्पायर समी एंड सेकंड एम्पायर इनाम अल्लाह। कारी नसीम ने 10 नंबर का शर्ट पहना हुआ है, अफरीदी का शर्ट, बिल्कुल अफरीदी भी क्रिकेट की दुनिया में अटैक बॉलर किया करते थे स्टार्ट में, वो बॉलर थे क्रिकेट में। वंस टाइम अगेन,
माय गॉड, यकीनी तौर पर कारी नसीब जिस तरीके से गेंदे करवा रहे हैं आज तो सभी पुलिस लाइन ने कितने गेमें किए कितने जीते दूसरों से घटन ली खास भी क्लब वाह चेंज द नेम ऑफ द माजे द क्या बगावत का ऐलान किया है पुलिस के खिलाफ तो खास भी क्लब और नाम चेंज किया गया है टीम का सारे खास भी क्लब कुजबांडा खास भी क्लब तुम्हारी बिल्कुल बाबू साहब इस टीम के हनर है जिनका ताल्लुक तमाई से है नेशनल इलेवन तमाई इस टूर्नामेंट का हिस्सा है तमाई जूनियर इस टूर्नामेंट का हिस्सा है और खास भी क्लब तमाई यूथ इस टूर्नामेंट का हिस्सा है। खास भी क्लब ने दो तीन मैचेस जीते हैं अगर ये गेम जीता खास भी क्लब ने तो सीधा क्वालिफाई करेगा नेक्स्ट राउंड के लिए और वडोदरा शाहीन के लिए काफी मुश्किल का सामना हो सकता है मैच के हारने के सूरत में तो इसीलिए कोशिश होना चाहिए कि 1-1 मुकाबला हो जाए और मुकाबला बड़ाग्राम के लिए तो हारने का कोई चारा ही नहीं है कोई ऑप्शन ही नहीं है कि बड़ाग्राम की टीम इस गेम में मतलब लगन ना रखे जोश से खेलना होगा। कोच अब्दुल रहमान की मौजूदगी में मैं तो समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट बड़ाग्राम का कोचिंग के लिहाज से सबसे बेस्ट टीम जो है ये शाहीन क्लब का है क्योंकि इनके जो टेस्ट मिलते हैं यहाँ पर अच्छा बॉल बेहतरीन बॉल बिटवीन द विकेट नाइस रनिंग एम्पायर का इशारा और अब्दुलरहमान टीम को लीड कर रहा है कोचिंग तो मेरे ख्याल में सबसे अच्छा बॉलिंग तरतीब बिटिंग तरतीब अब्दुलरहमान से अच्छा बैट्समैन और बॉलरों को मशवरा कोई और नहीं दे सकता इस डिस्ट्रिक्ट में क्योंकि काफी तजुर्बा रखते हैं और बीएसएल के चेयरमैन भी है और माशाल्लाह जिया के वालिद साहब भी है काफी नामों से अगर हम बुलाना चाहें तो काफी नाम है अब्दुलरहमान के लेकिन ये बैट जिसका भी पड़ा है फहद ये बैट बॉडी लाइन से बाहर कीजिए प्लीज आपके सामने बैट है फहद बैट बैट बॉडी लाइन के अंदर बैट है बिल्कुल थैंक यू और यहाँ पर 11 नंबर का वन टाइम अगेन एम्पायर सभी के पास क्रॉस द फायर पद्मा का इस्तेमाल खेलना चाहते थे बल्लेबाज जुनैद और जुनैद भी इतना सबर के मालिक नहीं है हालांकि इनमें अल्लाह ताला जो है सबर करने वालों का साथ देता है पसंद करता है लेकिन जुनैद मेरे ख्याल में बिल्कुल सबर जो है उसका तमाम हो चुका है सबर और इफ्तिखार खान अजमेरा एन अफजल खान लारा पगोड़ा दोरे को खुश आमदीद कहते हैं इफ्तिखार पगोड़ा सॉरी फ्लैट की जाए बेहतरीन फील्डिंग बट मेस्ट बेस्ट फील्डिंग यहाँ पर क्विक फील्डिंग होना चाहिए क्विक हमें बड़ाग्राम का क्रिकेट ऐसा क्रिकेट चाहिए जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फील्डिंग हुआ करते हैं अब्दुल तनाज की बात अगर ना की जाए इस टूर्नामेंट में तो ज्यादा होगी केडीएच केडीबी कोलाडा बड़ाग्राम लाइव नशर कर रही है इस टूर्नामेंट का सारे अपडेट कोलाडा बड़ाग्राम अब्दुल तनाज के साथ अगर आपका कांटेक्ट हो तो टूर्नामेंट का हर एक चीज जो है आपको मिलेगा। नाइस शॉट इन दिस टाइम काफी बेहतरीन शॉट जुनैद की बल्ले से नमरार सॉरी जुनैद नहीं है हफीज हफीज वो बल्लेबाज खड़ा है इस वक्त क्रीज पे जिसके पास छह छक्के का एजाज मौजूद है छह गेंदों पे छह छक्के इधर दूसरे बैट्समैन ने भी लगाए थे उसका नाम मुझे भूल चुका हूँ बट हफीज ने एक ओवर में लगाए थे उसने तीन एक ओवर में और तीन दूसरे ओवर में लगाए थे 13 गेंदों पे उसने 50 बनाया था केडीएच का आज लाइव कवरेज नहीं है तो हम यकीनन मिस भी कर रहे हैं और होना चाहिए कि वो लोग आ जाए तो क्रिकेट के साथ काफी खुशगवार माहौल भी है अफजल मामा आ चुके हैं इस वक्त अफजल मामा आज बड़ाग्राम शाहीन टकरा रहे हैं
धमाल की ये टीम का नाम क्या नाम है इस टीम का? खाजिम क्लब के साथ आज गेम है। इफ्तिखार काफी अच्छा शॉट खेल चुका है इस वक्त हफीज और कमेटी बहुत आमद पर खुश आमदीद कहते हैं इफ्तिखार और अफजल लाला को। तो ये टूर्नामेंट होनी चाहिए विद्यार की अच्छे अच्छे फुटबॉल हॉकी स्क्वाश बैडमिंटन एनी गेम हर गेम जो है वो होना चाहिए यहाँ पर। गेंद करेंगे अच्छा बॉल यकीनी तौर पर अंदर आता हुआ ये बॉल और जुनैद की बड़ी गलती अगर आपको बताता चलो दिस कॉल वॉज ये कॉल जो है ये जुनैद का कॉल है ना कि हफीज का कॉल है लेकिन फिर भी हफीज ने जुनैद को मना किया रन लेने से आउट होने का खतरा था नहीं है। इकराम खान दे वली की दिशा और बस ये वन डाउन गिरा शुरू रहा टर्न डाउन वन टाइम अगेन शहाब गेंद करवाएंगे जुनैद के लिए। जुनैद का बल्ला आज काफी सुस्ती का मुजाहिरा कर रहा है। देखते हैं वाइड बॉल का इशारा जुनैद अपना नमाया किरदार और नमाया पोजीशन स्कोर हो चुका है भाईजान 32 का स्कोर है 3-2। हाँ 32 रन जी यो खिलाड़ी वो उठते हैं और सौरम आवाज जारी थे दादा 32 रन जी अल्ताफा 32 रन जी सौरम ओवर जारी दे यो विकेट आउट से दे आउट से बैट्समैन चे दे उसामा दे बकरीज मान दे दे वाके जुनेद आओ हफीज बलाल्डी और कैसे टाइम पे स्कोर आ सदर ओवर के 32 रन जी दे वाके इदा पिंजम ओवर दे स्कोर आ चुका है नेक्स्ट अप 32 का स्कोर हो चुका है और यहां पर आपको बताता चलूं पावर प्ले में कम से कम 70 स्कोर बनने चाहिए। पावर प्ले में एक टीम स्कोर ना कर सके तो बाद में मुश्किलात होते हैं बाद में तो फील्डर भी हर जगह मौजूद होता है तो पावर प्ले जो है इसका खास ख्याल रखना चाहिए स्कोरों का। हमें तो अच्छा मुकाबला चाहिए ना तो हम बड़ा अब्दुल वहाब से वालेकुम सलाम रोहित सिंह अल्लाह के बराबर है हां वली दी मैच दे अब्दुल वहाब काजमी क्लब को सपोर्ट करते हैं दे वो के दा माजिद दे बाउलर और बैट्समैन दे हाफिज सपोर्ट करते हैं दिस इज अ क्रिकेट और क्रिकेट में स्कोर 32 पिंजम ओवर दे वो के पिंजम ओवर ले चले माजिद बाणिया वाले चले अब अपना रह गए होना भी चाहिए कि अच्छा स्कोर बन जाए यहां पर। माजिद वन टाइम अगेन सॉरी माजिद फर्स्ट टाइम यहां पर गेंद के लिए आ चुके हैं आज के दिन और छह का पेस पहला ही बार कारी विकेट कीपर मैच मिल लेंगे और वाइड की सूरत में एक रन का इजाफा स्कोर स्कोर 33 स्कोर है 33 ये एक छोटे जो 33 रन से यो खिलाड़ी आउट से दे आउट से बैट्समैन से दे उसामा दे जुर्माना जो है उसका दूसरे इनिंग्स में जमा करना चाहिए जबरदस्त फील्डिंग जबरदस्त फील्डिंग स्कोर 34 पिंजम ओवर जारी दे पिंजम ओवर दिन बाल ले और यहाँ पर हमारा साथ मौजूद है हमारा नन्ना मुन्ना छूजा बिल्कुल हमारे पास मौजूद है मुझे भान जिनका ताल्लुक कुदबांडा से है और कारी राकट का बड़ा फैन है कारी नसीब का बड़ा फैन है और यहाँ पर चार रन चार रन के बहुत बड़ा गेंद में कैच चुके हैं जुनेद स्कोर 38 जुनेद आज जो है सभी कुल के नहीं खेल रहा अगर मैं तो कमेंट करूंगा और बैट्समैन ने मेरे बात माना तो ठीक है नहीं माना तो आज ये रहमान स्कोर जी दे 38 रन जी दिए वके दिशाइन कला यो खिलाड़ी आउट से दे बैट्समैन से आउट से दे उसामा दे बैट्समैनों ने दिस इज ये नुकसान हो सकता है غفلت کی نیند سے بیدار کرنا پڑے گا اتا اللہ شکر نہ جمعے کو اس کمپیوٹر لے بس شکر نہ شکر نہ کمپیوٹر کی یار بولر موجود ہے
तो फिर क्या है, फिर क्या है, तो कोई टेंशन नहीं है, बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद है यहाँ पर। और जुनेगा अच्छा शॉट, लेकिन जो फील्डिंग की तरतीब की बात अगर की जाए जुनेद की हवाले से, हाँ जुनेद ऐसा सलाम ही मलता था, काफी बेहतरीन फील्डिंग कारी नसीब साथ में शहाब, बिल्कुल बैटिंग की थी वो के सलाम असाब है माँ बाचा, वालेकुम सलाम बाचा सिंह लगे बाचा, थर्डमैन में देखा जाए लेग स्टंप पे लॉग ऑन लॉग ऑफ एंड स्ट्रेट, काफी बेहतरीन फील्डिंग और बल्लेबाज का रिपेल कॉल, ये मैं कह रहा था जुनेद छह रन, छह रन जुनेद ने चक्का लगाया जी, जुनेदा ए जुनेदा जुनेदा अल्ताफ सलाम हुई अल्ताफ, स्कोर 44 स्कोर 44 बिंजमा ओवर दे वाली की शीतल डाउन है शेखरामा, स्कोर 45 स्कोर 45 45 तो बिल्कुल मुजीब, ये लड़का जो भी है अगर अंदर आ गया तो उसको उसकी टीम से निकाला जाएगा, जुर्माना दिया जाएगा, बाउंड्री से बाहर जो भी है प्लीज सॉरी, और कम से कम आउटसाइडर को बाहर आने की इजाजत नहीं है, ये गलत बात है, दिस इज क्रिकेट दिस इज नॉट, सभी उठान बाहर के सभी, नेशनल इलेवन कमाई का बल्लेबाज नहीं है क्योंकि नेशनल इलेवन एक सीनियर टीम है, मेरे ख्याल में जूनियर टीम का बल्लेबाज स्कोर 45 अंदर था, जूनियर इलेवन कमाई का बल्लेबाज था, बिल्कुल मेरा बात सही निकला, बच्चे बच्चे रहते हैं तो हम बच्चों के साथ ज्यादा छेड़ नहीं रखते हैं, आधा पिंजा और मुकम्मल से 45 रन दी दिए वाके यो खिलाड़ी आउट से नूर मोहम्मद, वालेकुम सलाम नूर सिंह लखे बराबर है नूर मोहम्मद, और जो हमारे बड़ों की इज्जत नहीं करते और हमारे छोटों पे शफकत नहीं करते हैं तो वो इस उम्र के हिस्से नहीं है, तो बिल्कुल बड़ों का इज्जत करना चाहिए, छोटों पर शफकत करना चाहिए, सब उनसे हिदायत जिनका ताल्लुक जबाना से है, माइक तो मैं उनके हाथ में देना चाहूंगा, उनके हाथ माइक समाऊंगा, मैं तो तबियत ही करता हूँ दोनों टीमों के लिए, आपका ताल्लुक रवांडा से है, ये टीम बेशक तमाई का है लेकिन आप इस टीम के सपोर्ट में हो, किसी टीम का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, दोनों टीमों के लिए कमेटी होना चाहिए, और हिदायत तो मैं का हवाले करना चाहूंगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो दिलों की ईमान की नूर से मनव्वर करता है, टाइम पोस्ट लीग आज शाहीन क्लब कला वर्सेस नूर मोहम्मद 18-18 ओवर मैच देरुरा बड़काम के मापेन के या पिंजा और उछ ले 5 ओवर के इख्तिताम पर कुल मजमूआ 45 रन जी यो खिलाड़ी आउट शे दे 45 रन जी ज्यादा बहादुर सुख दे खाना मैच में माइक मिला है और इतने हसीन लोगों के माबेन कुछ कहने का मौका मिल गया है, शुक्रिया कमेटी ऑर्गेनाइजर ताई सुपर लीग खान को बुलाया गया है छठी ओवर करने के लिए, जबरदस्त जबरदस्त ताजा पहली गेंद वाइड फेंका है खान ने, एम्पायर ने अपने दोनों हाथों को फिजा में बुलंद किया और वाइड बॉल का इशारा किया, हाफिज उस रन ले हाफिज तकरीबन 10 रन पकड़ी हो रहा हाफिज भाई 10 रन पकड़ी 46 एक विकेट के नुकसान पर स्कोर 46 आदर्श भगम ओवर दे, एक खान आई गेंद लगी गया जोरदार अपील और कारी इजाज की जानिब से मगर इंपायर ने अपील को मुस्तरद किया, गेंद के ऊपर पॉइंट और गली के बीच से निकलना चाहते थे इस गेंद को बैट्समैन जुनैद मगर
47 स्कोर अश्फकम ओवर दे या आउट दे सोगा आउट दे उसामा उसामा बोला कुल मजमू 47 एक विकेट के नुकसान पर छठी ओवर का गेम शुरू है शाहीन कला जहां वर्सेस काजम शाहीन कला वर्सेस काजम क्रिकेट क्लब और शाहीन कला का बेहतरीन और टीम है खान वंस अगेन राउंड विकेट इंपैक्ट टू द फुटबॉल गेम इस फुटबॉल गेम को हवाई रास्ते से गेंद को बाउंड्री लाइन से पार भेजे हैं 6 रन के लिए और जुनैद ने काफी अच्छा स्टोक पिछते पे क्या हुआ पिछते पे देखने को मिला है जुनैद की बल्ले से और इस ओवर के चौथी गेंद पर काफी बढ़िया कामयाबी हासिल की है जुनैद ने अपने टीम के लिए 6 रन हासिल किए हैं इस गेंद पर और इस छक्के की बदौलत स्कोर में तेजी से इजाफा स्कोर जा पहुंचा है और 54-57 विकेट छठी ओवर का गेम शुरू है जुनैद और हफीज जो के शुरू दे अभी तक मेरे स्कोर दे 44 की पार्टनरशिप बना चुके हैं और रवा दवाए खान अपने अब इस पे किश्ते बॉस खाना और पिश्ते पे तैयार है खान ने लंबे रन के साथ स्टार्ट किया है और तेज हुए एम्पायर से गुजरे काफी अच्छी गेंद खेलना चाहते थे इस गेंद को बैट्समैन जुनैद मगर समझ ना सके गेंद और बैट की कोई तरह मुलाकात नहीं हुई गेंद सीधा विकेट के ऊपर चार्ज के हाथों और खान काफी अच्छा बॉलर है काफी एक्सपीरियंस बॉलर है आज के इस मैच में पुलिस लाइन डिस्ट्रिक्ट पड़ग्राम की तरफ से खेल रहे हैं जो कि पुलिस लाइन डिस्ट्रिक्ट पड़ग्राम का टीम का क्यादत कर रहे हैं और माजिद वंस अगेन खान राउंड विकेट एम्पायर से गुजरे गेंद की शॉट भी चली गई क्या गोल क्या खेले है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर भेजे इस गेंद को 6 रन के लिए वंस अगेन छक्का देखने को मिला है जुनैद की बल्ले से और बेहतरीन शॉट खेला है इस बार कोई भी तरह खेलना चाहिए था जिस तरह जुनैद ने खेला है और इस छक्के की बदौलत स्कोर में तेजी से इजाफा स्कोर जा पहुंचा है 60-57 विकेट छठी ओवर का गैप शुरू है स्कोर 60-6 ओवर पगम ओवर दे 60 स्कोर या ओवर दे वो अकरम खान वलिश्ते पे गया वलिश्ते पे गए और लास्ट ओवर खेलने के लिए तैयार है और राउंड बॉल करने पास से गुजरे सॉरी अपने रनक भूल गए और पार ना कर सके जुनैद इससे पहले बॉल पर काफी अच्छा स्टॉक लगाया है छक्का लगाया इससे पहले हफीज ने भी काफी अच्छा शॉट लगाया था गेंद को सीधा बाउंड्री के पार भेजा था और इस ओवर में मुसलसल दो बढ़िया हिट देखने को मिले हैं देखते हैं कि आखिरी गेंद को किस तरह बचा पाते हैं खान काफी अच्छा तेज बॉलर है गरबाज से ताल्लुक रखते हैं राउंड विकेट से गुजरे गेंद की उस गेंद को खेला है दिफाई अंदाज से खेले गेंद को रन आउट होने की खतरा यहाँ पर रहेगा और बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा सभी की जानिब से हो रहा सॉरी खिलाड़ी आउट ना हुए लेकिन बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा किया है सभी ने अपने जानिब से हो रहा और 6 ओवरों के इंतजाम पर कोई मजबूर 117 विकेट जिस तरह हमारे पेडाग्राम में बहुत सारे ये हार्डबॉल का टूर्नामेंट उस वक्त जारी है जो कि हमारे इलाके कुजबांडा में अभी 2 हार्डबॉल का टूर्नामेंट जारी है इधर पेडाग्राम में भी हमारे इस कॉलेज ग्राउंड में एक बढ़िया टूर्नामेंट का इनेकाद रखा है टाई सुपर लीग का जो कि मेरे ख्याल में जुनैद ने रखा है शायद बहुत बढ़िया टूर्नामेंट है बहुत दिलचस्प टूर्नामेंट है इस बार इनिंग्स के 7 ओवर करने के लिए मेरे ख्याल में माजिद को लाया गया है जो इससे पहले माजिद ने बहुत अच्छी ओवर की थी उस ओवर में कुल मिला के 14 रन दिए थे कुल मजमुआ 106 ओवर के इंतजाम पर अभी तक एक खिलाड़ी आउट हो चुके हैं 61 कटेर खान जो कि हमारे साथ कमेंट रिपोर्ट में बैठा हुआ है काफी शौक रखते हैं क्रिकेट से और काफी बहुत दूर दूर जाते हैं कारी नसीब के साथ और क्रिकेट से बहुत ज्यादा लुत्फअंदोज होते हैं हमेशा पर मैं जिधर भी देखता हूं एक बार मैं एक बार मैं चुके सर में था कि मैंने देखा वहां पर कटे खान मौजूद था बहुत
और शौक रखते हैं क्रिकेट के साथ, और यहाँ भी अक्सर आते होते हैं, और हमारे इलाके में जिधर भी क्रिकेट होते हैं कटे खान वहाँ पर मौजूद होते हैं, जरूर उनका जिक्र करूंगा आपके सामने। और इस बार इन्हें पांच ओवर करने के लिए बुलाया है माजिद को, और फील्डिंग में थोड़ी सी रदू बदल देखने को मिला है माजिद की तरफ से, जो कि खुद बॉलिंग कर रहे हैं, अपने टीम की क्यादत कर रहे हैं माजिद, नब्बे रन के साथ अपने बोलिंग के पोजीशन पर खड़े हैं। खाली नस्तियों को आगाह करते हैं माजिद को कि अपने फील्डिंग को सही तरह कड़ा किया जाए ताकि कोई भी गलती ना कर सके। जिस तरह हफीज का कैच वलीउल्लाह ने छोड़ा था, काफी आसान कैच था, मगर वलीउल्लाह का फिटनेस आजकल थोड़ा खराब है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा खेलते हैं वलीउल्लाह। हमारे इलाके के बहुत बड़े स्टार है, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्टार है, अक्सर बाहर ग्राउंडों में खेलते रहते हैं। माजे पर लंबे रन के साथ स्टार्ट किया है, फाइव से गुजरे को वाइट और गली के बीच से निकालना चाहते थे, मगर वहां पर फील्डर आसिफ मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, इसी अस्ना में एक रन हासिल किया है दोनों बल्लेबाजों ने। पहली ही गेंद पर एक सिंगल हासिल किया है दोनों बल्लेबाजों ने, एक रन की बदौलत स्कोर में एक रन का इजाफा, स्कोर क्या पहुंचा है 62 पर लास्ट ऑफ वन विकेट। ये साठवीं ओवर का गेम शुरू है, माजिद वंस अगेन राउंड द विकेट के फायर से गुजरे, खेला है इस गेंद को, वहां पर फील्डर आसिफ मौजूद, उन्होंने वंस अगेन बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा किया है आसिफ ने, और यकीनी तौर पर अपने टीम के लिए तीन रन बचा पाए, वो एक रन हासिल की है इसी अस्ना में दोनों बल्लेबाजों ने, एक रन के साथ कुल मजमुआ 63 पर लास्ट ऑफ वन विकेट। साठवीं ओवर का गेम शुरू है, माजिद जो के इंग्लैंड का साठवीं ओवर करा रहे हैं अपने कोटे का दूसरी ओवर, माजिद वंस अगेन स्टार्ट हुआ है नब्बे रन के साथ इंपायर से गुजरे, और गेम को छोड़ दिया है, गेंद बाउंड्री लाइन को पार कर चुके हैं चार रन के लिए। इस छक्के की बदौलत स्कोर में तेजी से इजाफा, स्कोर जा पहुंचा है चार 67 पर लास्ट ऑफ वन विकेट। बहुत मायानाज खिलाड़ी है, बहुत अच्छा प्लेयर है, आज के इस मैच में पुलिस लाइन पड़ग्राम की तरफ से खेल रहे हैं। माजिद लंबे रन के साथ वंस अगेन स्टार्ट किया है, बाहर से गुजरे, गेंद इस बार आगे निकल कर गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद को खेल लिया है, यहां पर फील्डर अशहाब मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, एक रन हासिल की है उसी अस्ना में दोनों बल्लेबाजों ने, एक रन की बदौलत कुल मजमुआ 68 से साथवी ओवर का गेम शुरू है। माजिद अभी तक चार गेंद दे चुके हैं, चार गेंद से सात रन दे चुके हैं, वंस अगेन राउंड द विकेट इंपायर से गुजरे, गेंद इस बार खेलना चाहते थे ओवर शॉट के विशाल खेलना चाहते थे हफीज, मगर समझ ना सके गेंद को, क्यों ना बैठ के कोई तरह मुलाकात नहीं हुई गेंद, सीधा गई विकेट कीपर इजाज के हाथों में। माजिद राउंड द विकेट एम्पायर से गुजरे, गेंद की इस बार दिफाई अंदाज से खेला है बैट्समैन हफीज ने, उस गेंद को मुसलसल बिस्फील्डिंग का मुजाहरा दे रहे हैं माजिद और उनके खिलाड़ी, जरूर अगर फील्डिंग पर तवज्जा दे तो मैच जो है फील्डिंग से जीता जाता है, और जरूर फील्डिंग पर तवज्जा देनी चाहिए इसको, और अगर शाही क्लब कला को मैच जीतना है तो जरूर बढ़िया बढ़िया हिट लगाने होंगे हफीज और जुनेद को, जिस तरह अपने पार्टनरशिप को बरकरार रखे हुए हैं इसी तरह खेलना होगा, और बढ़िया बढ़िया शॉट लगाने होंगे इसको ताकि मैच को जीत सके, और अगर पुलिस लाइन डिस्ट्रिक्ट बेड़ग्राम की टीम अगर ये मैच जीतना चाहते हैं तो खुशीसत माजिद उनको अपने खिलाड़ियों को तवज्जा देनी होगी, क्योंकि फील्डिंग जो है वो अच्छी करने पड़ेगी तब जाके एक एक रन बचाने होंगे। आसिफ को लाया गया है आठ ओवर करने के लिए, राउंड विकेट इंपायर से गुजरे, तेज गेंद और काफी अच्छा गेंद, ओ हाथ की जान से बेस्ट फील्डिंग का मुजाहरा, यहां में एक रन हासिल किया है दोनों बल्लेबाजों ने, एक रन की बदौलत एक रन का इजाफा, कुल मजमुआ
9 सुबिनाथ साहब वन विकेट। 8 ओवर का गेम शुरू है जो कि आसिफ को लाया गया है। अपने कोटे का 20 ओवर पहन रहे हैं आसिफ और बहुत तेज बॉलर है हमारे एक स्टार का भाई है, रियाज का भाई है आसिफ। बहुत तेज बॉलिंग करते हैं, हमेशा तक खेलते रहते हैं और 90 रन के साथ स्टार्ट किया है इस मैच से गुजरे गेंद के बाद। और जो ये पास अकेला इस गेंद को वली अल्लाह फील्डर उन्होंने गेंद को चेंज किया और एक रन दाखिल किए थे सामने दोनों बल्लेबाजों ने। आज के इस मैच में फायर फ्राई सर अंजाम दे रहे हैं समी और इनामुल्ला। इनामुल्ला जो कि लेफ्ट पे खड़े हुए हैं। आसिफ राउंड द विकेट पर समी से गुजरे गेंदबाज ने चेक कर रहे हैं कैच आउट होने की खतरा चार रन। बेहतरीन शॉट पे शॉट और गेंद को बॉडी लाइन के पार भेजे हैं जुनेद ने और बेहतरीन शॉट लगाया है वंस अगेन अपने टीम के लिए और चार रन दाखिल किए हैं इस छक्के की बदौलत। कल मजमुआ वन विकेट लंबे रन के साथ बॉलिंग करते हैं आसिफ बहुत तेज बॉलर है और अपने ओवर की तीसरी गेंद पर बिल्ला हिट लगाए हैं जुनेद। राउंड विकेट के पास समी से गुजरे शॉट खेलना चाहते थे इस गेंद पर मगर खेल ना सके। अगर यकीनी तौर पर गेंद और बेट की कई तरह भी मुलाकात होती तो गेंद यकीनी तौर पर बॉडी लाइन के बाहर चले जाते मगर गेंद और बेट की कोई तरह मुलाकात नहीं हुई। गेंद को थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस मिल गया और गेंद सीधा दो विकेट कीपर एजाज के हाथों में। एजाज काफी अच्छा विकेट कीपर है, काफी बेहतरीन विकेट कीपर है हमारे कुसबांडा बाड़िया से ताल्लुक रखते हैं। आसिफ राउंड विकेट पर समय से गुजरे गेंद की इस बार दिखाई अंदाज से खेला इस गेंद को पॉइंट की जाने वहां पर फील्डर खान मौजूद उन्होंने गेंद को फील्ड किया और एक रन हासिल किए उसी अस्था में दोनों बल्लेबाजों ने कुल मजमुआ 74 पदनाश का वन विकेट अभी तक काफी अच्छे साबित हुए हैं अपने टीम के लिए। राउंड विकेट टेज रन के साथ गेंद के बाद सीधा खेले इस गेंद को और यहाँ पर फील्डर शहाब और पूरे फील्डिंग मिस फील्डिंग का मुजहरा और कारी नसीब और शहाब आपस में टकरा गए और गेंद को छोड़ दिए। गेंद सीधा चली गई बॉर्डर लाइन के इस बार और चार रन के लिए इस छक्के की बदौलत कुल मजमुआ 79 आठ ओवर के खिताब पर कुल मजमुआ 79 वन विकेट। आसिफ अपने इस ओवर में 11 रन खर्च कर चुके हैं जो कि दोनों बल्लेबाजों ने काफी अच्छा पार्टनरशिप देखने को मिला है हकीम और जुनेद की जानिब से और वेलकम कहते हैं अरशद मलकाल को कुसबांडा खराड़ी से ताल्लुक रखते हैं हमारी कमेंट्री बूथ में तशरीफ फरमा चुके हैं और वेलकम कहते हैं बार बार उनको वेलकम कहते हैं खुशामदीद कहते हैं। आठ ओवरों के इंतजाम पर कुल मजमुआ 79 वन विकेट। ओसामा चार रन बनाने के बाद आउट होकर पोजीशन वापस लौट चुका है। नसीब ने उनका विकेट हासिल किया है, क्लीन बॉल किया था ओसामा को और ओसामा अपने इनिंग्स में चार रन बना चुके हैं। हाथ को लाया गया है इनिंग्स की नवे करने के लिए और छोटे रन के साथ स्टार्ट किया एम्पायर सभी से गुजरे कुछ भी नहीं कहा जा सकता और छह रन के लिए बेहतरीन अंदाज से खेला है इस गेंद को दिफाई अंदाज से बेटा चिका और यकीनी तौर पर गेंद को बॉडी की राह दिखाई अफीज ने और अपनी टीम के लिए बढ़िया हिट लगाया है इस बार छह रन के लिए। काफी अच्छा कमबैक किया है अफीज ने। खान फरी जुनेद खान ने अपने पहली गेंद पर चुका दिया है वंस अगेन राउंड विकेट इस बार से गुजरे अच्छी गेंद और दिफाई अंदाज से खेला है इस गेंद को और जुनेद ने जरूर इससे पहले गेंद पर काफी बढ़िया हिट देखने को मिला है। जुनेद की बल्ले से बहुत ही बेहतरीन हिट जो कि सीधा अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ खेला था उस गेंद को और
चक्के की बदौलत कुल मजमुआ 85 15 शॉट होने पर हंस वंस अगेन राउंड विकेट एम्पायर सनी से गुजरे पास फेस के लिए गेंद को दबाते हुए खेले वहां पर फील्डर यकीनी तौर पर ड्रॉप किया है इस कैच को गेंद बाउंड्री लाइन को पार कर चुके हैं चार रन के लिए जरूर शहाब की बच्ची है इस शहाब को इस पार नहीं जाना चाहिए था इस इधर पड़ा होना था क्योंकि चार रन ड्रॉप हुआ था मगर इसको 93 नाम ओवर जारी दे यो क्रेडिट आउट शे दे शाहीन कला 93 रन लो लाइन को पार कर चुके हैं चार रन के लिए वंस अगेन राउंड विकेट हॉट पाकिस्तान से गुजरते हैं शॉट देखने को मिला तो हाफ पे फील्डर मौजूद उन्होंने गेंद को फील्ड के इस मामले एक रन दाखिल किया है दोनों बल्लेबाजों ने मजमुआ 91 तक लास्ट ऑफ वन विकेट तो बहुत तेज 91 स्कोर 91 स्कोर के स्पेशल को बहुत तेजी से रखा है मजा की कमी बरा रो रहा हाँ वंस अगेन राउंड विकेट एम्पायर सभी से गुजरे गेंद को गेंद को और बेहतरीन अंदाज से खेला है ابرار چې هغه دی اباسین کرکټ سٹار چې پرګرام یې ساده دغه میچ نه دی زاکی نو اور کوم په تام پر کوم مجموعه 91 په لاس تا فور بنا اور یکن میرنز دی وخت یو کلاړی اور شه دی شاهین قلا دس شاریا ایک ایک پر اور رن ریٹ کا تسلسل ہے بہترین تسلسل رکھا ہے शाहीन क्लब कला ने अगर इसी तसलसल को बरकरार रखे तो यकीनी तौर पर 180 रन का हदफ मिल सकता है पुलिस मैन बटाग्राम के टीम को जिस तरह रन रेट का तसलसल रखा है अभी तक 10.11 पर अवर रन रेट है अगर इसी तसलसल को बरकरार रखा जाए शौकत भाई तो यकीनी तौर पर एक शाबाश शाबाश मिल सकता है और वंस अगेन इलिंस की 10 ओवर करने के लिए लाया गया है आसफ को काफी तेज बॉलर है इससे पहले टीम के जरूर छक्का लगाया है हफीज ने और वंस अगेन राउंड द विकेट आसिफ से गुजरेगा सेफ शॉट और फील्डर हान मौजूद उन्होंने गेंद को फील्ड किया बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा दिया और सात रन दो गेंदों पर खर्च कर चुके हैं आए गए इस बार अवधा सेंचुरी मुकम्मल शला 104 रन शला दे वाके हां बैट्समैन और जुनैद अपने निकट सेंचुरी को मुकम्मल किया है जुनैद ने बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा दे रहे हैं जुनैद और जुनैद दाखिल निसब सेंचुरी मुकम्मल करा जुनैद 50 रन ज्यादा दे रहे हैं जुनैद आसिफ पर मुसलसल तीन गेंदों पर 13 रन खर्च कर चुके हैं आए गेंद की वंस अगेन ऊंचा शॉट देखने को मिला है मोहम्मद जाहिद जुनैद चे दाखल निसब सेंचुरी मुकम्मल करा स्कोर ट्रिपल सुपर में दाखिल 105 जो फुदला साहब पर विकेट 10 ओवर का गेम जारी है आसिफ अपने ओवर के पांचवी गेंद खेलने के लिए अपने बॉलिंग के पोजीशन पर स्टार्ट दिया है
तेज हुए वायरस सभी से गुजरे गेंद की और फ्लैक्सटन ये गेंद खेलना चाहते थे, इस गेंद को पॉइंट और गली के बीच से निकालना चाहते थे बैट्समैन हकीम मगर गेंद और बेट की कोई तरह सही तरह मुलाकात नहीं हुई, गेंद सीधा गई विकेट कीपर इजाज के हाथों में। आसिफ अपने ओवर के लास्ट ओवर को पहनने के लिए अपने बॉलिंग की पोजीशन पर खड़े हैं, दौड़ना शुरू किया तेज हुए फायर सभी से गुजरे गेंद वंस अगेन आउट टू ऑफ द विकेट और बेहतरीन शॉट लगाया इस बार गेंद को खेल लिया है स्कोर 109 की तरफ और छक्का मुबारक अल्लाह की सलाम अब्दुल वहाब से वो अभी सोच मारी है हमला बराबर है स्कोर 113 अब्दुल वहाब से भी सूदी ने सलाम हुई अब्दुल वहाब से बस पच्चीस बंदे वाला क्या कोच का कसूर अपनी आवाज में निकाल पाएंगे या नहीं
स्कोर 122 स्कोर 122 है दोनों समा ओवर जारी दे यो खिलाड़ी आउट छे अभी से पैसे सेंडिस बांधे वाला ले और जो 50 मुकम्मल कर ला चांस चार रन छह रन स्कोर 133 स्कोर 133 देवा के 44 बांधे हफीज वलाड़ ले हफीज तीन के चार रन दिया लगा मुकम्मल करा अपना जो है तो कीपर तो जाज नहीं है हवाई जहाज हाँ इधर कीपर का नाम जाज जरूर है लेकिन जाज नहीं है जाज की से तान में हो गया इनको पकड़े ओ यस दिस वन इज माइस हैट चेरांस चेरांस जुनेद बेड़ा बारह ओवर के 144 रन दिए हुआ के दे शाहीन कला यौ खिलाड़ी आउट छे दे मजीद छे ओवर पातिश ले 36 गेंद दी गुर 36 गेंद मन 100 रन गई आसिद खान जुने जी तकरीबन 70 पहुंच आ जरूर दाद यार समय और देख 144 रन जी Thank you.
44 का स्कोर है। Cheers. ₹5,000 दी जुनेद देवा के पाए कैसे मानते थे वाला ले जुनेद मखनी और के दो के जुना मिसला दोनों बल्लेबाजों के पास चीज का मौका है सुनहरी मौका है कोना नहीं चाहिए समय तो ये सब जो है ये मौका कुदरत की तरफ से है और आपने जो है उसको कवर गए और फायर के नाम मोबाइल को नहीं देखा जाए यहां पे मैच हो रहा है फरिशा सबा सा सुमेज थे रोड़ा सबा राजा है सबा सा सुमेज थे सबा सा सिटी क्लब दाकूर सर मेज थे सतासी मानते हैं जुनेद देवा के वाला अड़े का स्कोर हो चुका है जी 168
पांच फीसदा हो चुका है टूर्नामेंट में, छक्का सीधे बनाने में कामयाबी हासिल कर पाते हैं ये बल्लेबाज जानू, तब बिल्कुल देखते हैं सामीन। यहां पर छत्ता सेंचुरी का मोड में है जुनैद, यार कोई भी नहीं रोक सकता क्योंकि शॉट अच्छा था। नवे बांधे दे वके जुनैद वाला ले पर नवे बांधे बिल्कुल काफी खुशी में है और अलग है पासे दे तरह ना 5000 रुपए दी सा हां पासे दे साहब जवाब में होता जरूर रहा क्योंकि मैदान में मर्द मुजाहिद ने बिल्कुल बहरान लफाए किया हुआ है मुहाल टीम के लिए उसामा का भी प्रो प्रो परेशान है क्योंकि न कर सका एक ही विकेट का जो गिर चुका है फराज और एक विकेट का उसामा का तो लाजमी बात है नाखुश जरूर होंगे क्योंकि इतने बड़े गेम में 4 रन बनाने के बाद आउट हो चुके हैं और हफीज एक दफा से 50 बना चुके हैं दूसरे फीसदी के करीब और उसामा इज वेरी नाइस प्लेयर लेकिन दूसरा क्रिकेट ये क्रिकेट में कभी इंसान हीरो होता है यहाँ पर इस मैदान में कभी जीरो होते हैं स्कोर हो चुका है अगला बॉल अच्छा बॉल और उसका भी उनका खेल लें स्कोर हो चुका है 173 और जन की दूरी पर है 173 और जन की दूरी पर है जुनैद अली शाह जुनैद देखते हैं जुनैद 100% तैयार है खेलना चाहते हैं जुनैद और खेल चुके हैं इतना योदा फील्डिंग कर चुके हैं मौजूद है हवादार محمود حسین رو سنگ اللہ خیب را بارے مزمل مزملا سلامونا مزملا انعامات کا سلسلہ یہاں پہ نہیں ہے لیکن ہم اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ باشا لالا 1000 روپے دیں گے باشا لالا 1000 روپے دیں گے جنید کے لیے اگر سیدھ رکھیا کیونکہ انعامات ہونے چاہیے ہم تو اس جیسی ایسی کمیٹی میں بھیجتے ہیں کہ ٹیم کے پلیئر کو ساتھ ملے تو جنید آپ کے لیے باشا خان کی طرف سے 1000 روپے کا اعلان के पहले नहीं तीसरी तरफ है तो 1000 का जो नोट है आपके गांव में आएगा अब्दुर्रहमान परेशान है काफी अब्दुर्रहमान को बिल्कुल परेशान नहीं होना है टीम का पोजीशन काफी अच्छा है लेकिन उसके बावजूद परेशान है अगर उसामा ने परेशानी लिया हुआ है तो होना चाहिए उसामा को परेशान क्योंकि 4 रन बनाने के बाद आज बेहतरीन विकेट्टा बैटिंग का विकेट्टा उसने और न चल सका लेकिन प्लेयर अच्छा है ये तो क्रिकेट है कभी जीरो कभी हीरो और इसका एक भाई है अक्सर मेरे साथ काफी गपशप लगाता है तो काफी मेहनत करता है और मुझे कहता है क्रिकेट में उसामा तो वो कहता है कि हमने भी घर से छोड़ा हुआ है इसको कि ये केले जितना खेल सकता है ये और होना भी चाहिए कि ये केले और इतना केले के कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं सूबे लेवल या नेशनल लेवल पे ये जा सके गेम के लिए और हमारा जहां तक सपोर्ट होगा तो इसके साथ होगा क्योंकि प्लेयर ये अच्छा है तो जहां तक हमारा सपोर्ट होगा जहां पे हमारा जरूरत होगा हम हाजिर होंगे और इसी तरह जिस तरीके से स्ट्रगल जारी है उसामा का क्रिकेट में तो ये स्ट्रगल इसको जारी रखना चाहिए और टुडे बिड लक सावा एंड हार्ड लक और कम ऑन जनरल ओ कितना टीम नेम काजी क्लब अमजद काजी क्लब के कैप्टन है काजी क्लब बिल्कुल कॉर्नी क्लब के कैप्टन बने रहा वाला मनो और फिर डाल वाल लिस्टर की जाने पर काजमी के कैप्टन देखते हैं कि कैप्टन कैप्टन से का नुमाया किरदार अदा करने में कामयाबी हासिल कर पाते हुए तो नए स्वामी ने कृपाट उधर करना चाहिए जिधर फील्डर का कड़ा फील्डिंग काफी अच्छा नहीं है
फील्डिंग मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ 180 रन वाला समा ओवर जारी दे और यो खिलाड़ी आउट छे दे जुनेद छे दे तकरीबन पा 91-92 मान जुनेद मौजूद दे और 70 पो खौशा छे दे आगा हाफिज दे और हाफिज दा बेम विकेट आउट छ दे वाके दे शाहीन खला बड़े खिलाड़ी का पहचान ये होता है कि वो बड़ा गेम पेश करता है। देखिए पेच जरूर मुश्किल था लेकिन नामुमकिन तो नहीं था, कारी ने किया अच्छा पेच। नए बैट्समैन जाहिद स्कोर 171 को भेजा गया जा रहा है नेक्स्ट सुलेमान। नए बैट्समैन सलमान ने सलमान सॉरी उनका तारीफ है सलमान बड़ा ग्राम के लिए और खेल रहे हैं। तो देखते हैं कि सुलेमान क्या कर पाते हैं। अफजल मामा आज हफीज ने अच्छा गेम पेश किया और जुनेद भी अच्छा गेम पेश कर रहा है। दोनों बल्लेबाज अच्छे गेम कर रहे हैं। तो शायर कहता है बकूर हमर में माजरी बकूर हमर में माजरी दवतन हम में बेस जरफरी बला रहले पश्ता नखरी इंद्रान दखवा रह नखरी मुसलमानान द अफले रुन गफ जफरे। तो काफी कमाल का शेर है शायर ने कहा है, समझने वाले समझ सकते हैं। तो अब्दुल फनाज अब्दुल फनाज सलेमान आपको बार बार याद कर रहा है, पता नहीं क्या क्या वजह है। और हाँ खुश आमदीद है तो आपको नहीं कहते, आप तो हमसे पहले आए हैं तो काफी कुर्बानियां आए टूर्नामेंट में आपके, तो हम दाद देते हैं काबिल तारीफ है। यहां पर सुने तो खेलना पड़ेगा बीसवीं जी के खाते और एक रन मिल सका बिटवीन दर नाइस रनिंग और टोटल स्कोर हो चुका है 181 181 का स्कोर हो चुका है सामी वीरेंद्र का। बड़ा ग्राउंड के चौक पर चौक इलाका बा इलाका बड़ा ग्राउंड के कोरे कोरे से आए हैं शाहिदीन। आपका जबरदस्त सिस्टम रहा, जबरदस्त सिस्टम रहा और वाइड बॉल एम्पायर सही वाइड बॉल। यार मैं एक बात बताता चलू, ये ओवर जारी है मेरे ख्याल में 15वां। स्पिनर अच्छा बॉलिंग कर रहा था, स्पिनर का पेशन गोई जो है सारे मान ने किया है आज। स्पिनर का गेंदे अच्छी पड़ती है पिच पे, जुनेद को अगर स्पिनर के सामने छोड़ा जाए तो स्विंग जो दूरी रह जाएगी, तो इसलिए जुनेद नॉन स्ट्राइक पे ही ठीक है। स्पिनर जो है काफी स्पिनर को फायर करना और हिट करना काफी मुश्किल होता है। सलमान सलमान तो हिट करने की कोशिश में है लेकिन देखते क्या कर पाते हैं। ओ खेल चुके हैं बिल्कुल, अभी ऐसा पोजीशन है पायर सभी के सामने धूप और हमारे तरफ साया है तो गेंद हमें सही नजर नहीं आता है ऊपर से क्योंकि थोड़ा सफेद है और आगे भी काफी सफेदी चाहिए। ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, सलमान आउट नहीं हुआ है। यहाँ पे ड्रामा हुआ है, इजाज ने पूरा ड्रामा बनाया है, अर्तगुल खाजी का ड्रामा यहाँ पे इजाज ने बनाया। कम अज कम स्टंप तो कर देते यार, विकेट कप्तान का जाया हो चुका है तो कप्तान का विकेट जाया करना कप्तान के साथ सारे मान जादू तो है क्योंकि आप एकदम सारे मान ने यह मशवरा दिया था स्पिनर का और जिस वक्त मैं स्कोर बोलता हूँ शर्मेन साहब उस वक्त आप अपने गप लगाते हो
जब आप लोग अपने घर से पारे हो जाते हो तो फिर मुझे कहते हो कि स्कोर का जब और जिस चाय के इंतजार में हो धूप ही नहीं मिला हमने भी मिलते जीवन पिराशी और से पिराशी का स्कोर है जुनेद बगदारी داش پاره سما ور دې 103 زینن زیدوا کلاډ نه اورشي دی واکه دې شاهین قلا جونې چې دی هغه 93 باندې دی بہادر دے قاری نصیب بیٹسمین دے جونے دا بعد میں میرا دم ہے مجھے لگ رہا ہے افضل ماما بعد میں میرا کافی دم ہے ٹھیک ہے जबरदस्त बाल जबरदस्त बाल अब्रहमान भाई काफी अच्छा गेंद पुट किया और शाबाश हाँ बिल्कुल सरकार की जानिब से आ चुका है शाह साहब मेरे ख्याल में उतर चुके हैं गाड़ी से तो शाह साहब का जुनेद जुनेद बिल्कुल ने आपको प्रेशर में किया है जुनेद अपने लिए नहीं खेलना होगा खेलना होगा टीम के लिए खेलना होगा सीजी के हाथों नहीं रखना होगा ये नहीं है कि मैंने कह दिया है अपना रनिंग जारी रखियो क्योंकि ये जिम्मेदार खारी नसीब की बॉलिंग कमाल की बॉलिंग थी आज जो बॉलिंग आउट हो चुका है मेरे भाई लुकमान रोड़ा बैटिंग चाहिए शाहीन कला दे ओवर है ये 16 ओवर मुकम्मल ले 16 कंप्लीट स्कोर हो चुका है मेरे भाई 192 रन दे वके दो खिलाड़ी आउट शी दी दा उल्लासम ओवर दे अच्छा ओ सरमेंट की जा
स्कोर 196 स्कोर 196 मोहम्मद खान दो विकेट उड़ी दी हफीज उसामा उड़ी दी जुनेद छे अगर 94 मानते वाला डे दो सौ रन मुकम्मल शाहीन कला दो खिलाड़ी उड़ी दी वाके दो सौ रन मुकम्मल लसम आवर दे मोहम्मद खान है अपडेट सुन माता दवा बार बार इमरूरा स्कोर 201 ओवर नंबर 17 सही सही से बस कम्युनिटी मुकम्मल जुनेद जुनेद पद सो रन रुकड़ो वालेकुम सलाम अलोरा जुनेद छे दे सेंचुरी मुकम्मल करा इरफान सिंह लिखे बराबर रोरा वालेकुम सलाम दादे तई स्पोर्ट्स लीग पिंजमा सेंचुरी छे दागा जुनेद रुकड़ा कीपर जी इजाज अरोरा वालेकुम सलाम रफीउल्ला खाना मोहम्मद जाहिदा सारे तरफ ना जुनेद ला 5000 रुपए सर दवा का हिंदी रफीउल्ला परिश मरोरा सा सार गेम दे मनना मनना लास्ट ओवर हाँ वालेकुम सलाम अल्ताफा सिंह अल्ताफा खे बराबर है अमजीत बॉलिंग को दो और गड़ी ज्यादा खर्ची है साबित शो औदा अदर विकेट शाहीन कला आउट शो बहादुर मोहम्मद वालेकुम सलाम बादशाह लिखा तरह सलाम वालेकुम सलाम रो रहा सुलेमान रफी इब्रार कुजबांडा दी मैच के जगह दे फ्रेंड क्लब कुजबांडे सरा दे न्यू मैन वली वली कम कैप्टन दे
कौन वक्त का अच्छा स्टार्ट बेहतरीन स्टार्ट कितने कह चुके हैं कितने गेंदे रेडी है इस ओवर की वही दो गेंदे हो चुके हैं और सारे अमान ने ये ऐलान किया है हेलो कि तीन छक्के लगाए आप चार गेंदों पे 500 रुपए वसूल कर लो सही है यहाँ पर तीन छक्के लगाने हैं वली ने 500 के खातिर ओ तीन गेंदे पे तीन छक्के रह चुके हैं सारे अमान आपका यह टास्क 1000 हो गया है अभी क्योंकि सारे मार कंडीशन को देख के फैसला करता है मेरे जुनेद के लिए हमने 1000 रुपए बादशाह खान से अनाउंसमेंट करवाए हैं और आपसे आपके लिए हमने सारे अमान पे अनाउंस करवाए हैं तब देखते हैं 1000 रुपए जीतने में कामयाबी हासिल कर पाते हैं बलग्राम के किसी तारुफ के मोहताज नहीं वही उस वक्त क्रीज पर मौजूद है ऑन द स्ट्राइक और चल चुका है सारे अमान लेकिन वही जिस तरीके से खेल रहे हैं वही ऐसा अंदाज में गेम पेश कर रहा है कि टीम काफी प्रेशराइज पोजीशन में हो हालांकि टीम तो आखिरी दो गेंदें रहती है खुल के खेलना चाहिए लेकिन वली के फिट होते होते 1 ओवर 2 लगेगा 100 220 यार कम अज कम प्लेयर्स को ये इजाजत नहीं है कि वो हमसे बार बार स्कोर पूछे हम ओवर के इख्तिताम पे स्कोर बताते हैं ना हमें कमेटी में डिस्कस किया जाता है फिर कहते हैं कि आप ये वो छक्का है यहाँ पर अच्छा छक्का मिल चुका है 226 स्कोर 226 स्कोर 226 लास्ट बॉल ले और वही हुआ 18 और दी 18 आखिरी लास्ट बॉल ले 226 रन दी वक्त के 3 विकेट आउट सी दी हाँ 227-228 टारगेट थे दे वक्त के काजिम क्लब ला पा रहा 231 का टारगेट है 230 बना चुके मैं पहले से कह चुका था कि 230 का स्कोर